हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। और आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब कि ये जो टॉपिक है बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद ही कोई बायोलॉजी का ऐसा स्टूडेंट हो जिसको सेल के बारे में ना पता हो। तो आज हम इसके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं सेल से रिलेटेड, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, सेल थ्योरी या फिर सेल की हिस्ट्री, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल, इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं सेल से रिलेटेड, वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट में आपको बताना चाहूंगा, ये सेल की जो टॉपिक है कहां पर मिलेगा। देखो, बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर जूलॉजी में भी आपको मिलेगा, बॉटनी में भी मिलेगा। बीएससी सेकंड ईयर में भी आपको वहां पर बॉटनी के अंदर आपको स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है। सेल के बाद सेल ऑर्गन्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी सेल के अंदर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, मीसोसोम, उसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी को अलग से स्टडी किया जाएगा, ठीक है। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। सेल की अगर हम बात करें तो जो सेल होता है वो सेलुला से, जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो सेल का मतलब है, सेल जो है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड से लिया गया, जिसका सेलुला का अर्थ होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। इसको सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने बोतल की कार की पतली परत के अध्ययन के आधार पर उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ कोष्ठ दिखे, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखे और उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया और उसको नेम गिवन किया सेल, ठीक है, और अपनी बुक एक माइक्रोग्राफिया बुक में उसको प्रकाशित किया, ठीक है। वहां पर उन्होंने सेल के बारे में डिस्कस किया ताकि और भी साइंटिस्ट के को ये इस बात का पता चले कि यहाँ पर, ताकि वो भी इसको स्टडी कर पाए। उसके बाद एक साइंटिस्ट है लुई वेन हॉक, उन्होंने सबसे पहले स्टडी ऑफ लिविंग सेल, उन्होंने जीवित कोशिका को स्टडी किया, ठीक है। लुई वेन हॉक ने, मैंने आपको बताया, उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की और इन्होंने जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। बैक्टीरिया की खोज भी इन्होंने की थी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग सेल ऑर्गन्स के बारे में या सेल के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फिर आए पुर्किंजे, ठीक है, पुर्किंजे ने 1837 में प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि जो सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है विरको, विरको ने प्लांट और एनिमल इन दोनों के टिश्यूज को स्टडी किया, ठीक है, उन्होंने टिश्यूज में फिर उसके सेल्स को स्टडी किया और फिर उन्होंने एक वर्ड दिया ओमनी सेलुला इज सेलुला, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि कोशिका में विभाजन होता है और प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सभी कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पहले वाली जो जीवित कोशिका है उसी से होता है, और किसके फलस्वरूप, डिवीजन के फलस्वरूप, ठीक है। तो ये किसी को बोले थे हम लॉ ऑफ सेल लीनिएज। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ सेल लीनिएज, ठीक है, तो आप कहोगे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, जो कि दिया था विरकोव ने, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से होता है और उस कोशिका में विभाजन होता है, डिवीजन होता है। और उसके बाद हम एक्सेप्शनल केस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, वायरस हर जगह एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजी में भी है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस की भी, तो वो है वायरस। वायरस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का है, ठीक है, एक कनेक्टिव लिंक है। बहुत से ऐसे एविडेंस है जो कि बताते हैं कि वायरस एक लिविंग है, बहुत से ऐसे एविडेंस है जो कि बताते हैं वायरस एक नॉन लिविंग है, क्योंकि वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होता, जिसके कारण ये एक्सेप्शनल केस होते हैं। एक एक्सेप्शनल केस किस चीज के हैं, सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी क्या है, देखो सेल थ्योरी को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसमें तीन तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है, इसमें थ्री लाइंस है जिसको आप लिख सकते हैं कि सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। All living things are made up of one or more cells, ठीक है? और cells are the basic functional unit within organism and the chemical reaction of life take place within cells. सभी कोशिका, जो कोशिका होती है वो जीव शरीर के अंदर कार्य की एक मूलभूत इकाई होती है, ठीक है। और यहां पर यह भी बताया गया
कि जो सभी कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिका का होता है, ये थर्ड एक्सप्लेनेशन है कि ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो सिद्धांत है इसका एक्सेप्शनल केस है वायरस, क्योंकि वायरस एक लिविंग है। अगर हम लिविंग इसके हम मैंने आपको बताया लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच एक कनेक्टिव लिंक है, अगर हम लिविंग को फेवर करें तब ये एक्सेप्शनल केस बन जाएगा सेल थ्योरी का। ठीक है, उनका कहना है कि सभी जितने भी जीव हैं उन सभी का जो जिन्होंने जीवन का धारण किया हो, जीवधारी किसको बोलते हैं, जिन्होंने जीवन को धारण किया हो, लाइफ बियरिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइफ बियरिंग जिन्होंने लाइफ को धारण किया हुआ है उनका जो निर्माण है, ठीक है, वो सेल्स का बना होता है। ठीक है, यही सेल्स थ्योरी का कहना है। अब उसके बाद ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चला होगा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी, उसके बाद उन्होंने नाम भी इसको गिवन किया था। अब इसके बाद देखो एग्जाम पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट चाहे एमसीक्यूज बेस पर भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, जरूर हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम आज इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करने वाले हैं। अब देखो हम नॉर्मल तरीके से बताएं आपको तो जो सेल्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है कि एक प्लांट होता है वो भी लाइफ बियरिंग होता है। ठीक है, लाइफ बियरिंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल जितने भी एनिमल है हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, और साथ में फंजाई, एल्गी, ये सब क्या है, इस सब लाइफ बियरिंग है, इन सभी के अंदर जीवन पाया जाता है और इन सबका शरीर जो होता है वो सेल्स का बना होता है। अब यहां पर सेल्स को डिवाइड किया गया उनके ऑर्गन्स की वजह से। ठीक है, जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उसमें कई सेल्स ऐसी हैं जिसमें कि सेल ऑर्गन्स कंप्लीट डेवलप नहीं है या बहुत से अब्सेंट है, तो इसके बेस पर हमने क्या किया, सेल को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी अपने माइंड में सिर्फ इतना फोकस करके रखें कि जो सेल है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और किसके बेस पर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने उन सेल्स को रखा जो कि बहुत ही कम रूप से डेवलप थे, जिसके अंदर सेल ऑर्गन्स बहुत ही कम रूप से डेवलप थे या फिर अब्सेंट थे। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो कंप्लीट डेवलप्ड ऑर्गन्स, जिसके अंदर कंप्लीट डेवलप ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और उसमें सभी के सभी ऑर्गन्स जो है कोशिका के प्रेजेंट थे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं वो सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट थे। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल पूर्ण रूप से विकसित सेल है। तो इस तरीके से हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, अब इसके अंदर कितने सेल्स आते हैं, जैसे हम बात कर दें एनिमल सेल्स की। ठीक है, एनिमल के अंदर हम खुद आते हैं तो हमारे अंदर सब कुछ जो है विकसित पाया जाता है, बहुत ही कम सेल्स ऑर्गन्स होंगे जो कि हमारे अंदर नहीं पाए जाते होंगे। तो इस बेस पर हमने अपने आप को, ठीक है, जो एनिमल और प्लांट सेल को रखा गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें एनिमल के अलावा वहां पर जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे माइकोप्लाज्मा को रखा गया, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को रखा गया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बैक्टीरिया को भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रखा, क्योंकि ये जो है लेस डेवलप्ड सेल है। ठीक है, अभी हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है ये कोई किसी भी प्रकार का कोई सेल नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने एक कैटेगरी बना ली कि इसके अंदर जो कि ऐसे हमने सिर्फ दो कैटेगरी बनाई, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ताकि उसके अंदर जितने भी लेस डेवलप सेल्स हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल जो कि जिनका सेल्स जो होता है वो बहुत ही लेस डेवलप है तो उनको हम प्रोकैरियोटिक की कैटेगरी में रख देंगे, और ऐसे एनिमल जिनका कंप्लीट रूप से डेवलप सेल है, जिसके अंदर सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर जितने भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियस से रिलेटेड सभी के सभी ऑर्गन सेल बिल्कुल डेवलप हैं, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक में रखेंगे और यूकैरियोटिक में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने सेल को डिवाइड किया। तो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंशिएशन है, ये सब आपको इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो बॉडीज होती है, ठीक है, आप एक बार नॉर्मल तरीके से एक बार और समझ लो कि जो सेल्स होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट मोनोमर होती है। मोनोमर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, मोनोमर बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स मिलकर के पॉलीमर्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो शरीर होता है बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रत्येक जीव अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी सी कोशिका से मिलकर करता है, और कुछ तो उसी पर ही डिपेंड हो जाते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सेल्स, मैंने आपको बताया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब कि सेल से सेल बनती रहती है और धीरे धीरे
जो है एक सेल, मतलब सेल्स के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल्स का जो सेल वॉल होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसमें क्रोमेटिन लाइक एक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि एक धागे के समान एक संरचना होती है जो एक सेल्स को दूसरे सेल से जोड़ती चली जाती है, उसमें डिविजन होता चला जाता है और एक सेल, एक टिश्यूज का निर्माण होता है। तो इस तरीके से सेल्स जो होती है वो बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, एक तरह से स्किन्स का निर्माण करते हैं और स्किन्स पूरी ऑर्गन्स का निर्माण करती है और ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे हाथ एक ऑर्गन्स है, नाक एक ऑर्गन्स है, ये सब मिलकर के बॉडी स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेल्स की थ्योरी है। सेल्स, अब हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले सेल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक अब हम डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक पर अभी नहीं आएंगे, अभी हमारा टॉपिक जो उसकी सेल है वो भी बरकरार रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सेल को किस तरीके से हम डिवाइड किया जा सकता है, सेल के अंदर कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या खूब कहा था ब्रैकेट ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे ब्रैकेट, उन्होंने कहा था कि जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी एक अलग ही दुनिया है। उन्होंने कहा ये एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है, जो सेल के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें, वहां पर स्टार्टिंग में सबने जो प्रोटोप्लाज्म कहा ये तो एक बूंद होती है जो कि एक लिविंग मटेरियल है, लेकिन वहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे ब्रैकेट, उन्होंने कहा था कि ये जो सेल्स होता है इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ये एक तरह से पूरी की पूरी एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम सेल्स का करेंगे क्लासिफिकेशन और देखेंगे इसमें कितने सारी स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑर्गन्स हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम सेल्स को क्लासिफाई करेंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा प्लांट एंड एनिमल सेल्स में डिफरेंशिएशन क्या है, बैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा ये सब प्रोकैरियोटिक में क्यों रखे जाते हैं, या फिर हम यूकैरियोटिक के अंदर एनिमल और प्लांट सेल्स को क्यों रखा गया और एनिमल और प्लांट सेल्स में कितना डिफरेंशिएशन है, ये सब हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आइए डिस्कस करते हैं सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। ये है सेल का क्लासिफिकेशन जिसके थ्रू हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं और इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एल्गी के बारे में नहीं बात करें, किसी एल्गी सेल के बारे में नहीं बात करें, किसी एनिमल सेल के बारे में नहीं बात करें, किसी प्लांट सेल के बारे में नहीं बात करें, यहाँ पर हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, ठीक है। कोशिका में कौन कौन सी पॉसिबल ऑर्गन्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से स्टडी करते हैं क्योंकि इसकी एक अलग ही दुनिया है। तो आइए यहाँ पर इस दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। नंबर फर्स्ट जो सेल होती है उसको तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने एक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी हम डायग्राम को भी स्टडी करेंगे, क्या किस तरीके से इसका प्लांट सेल का डायग्राम होता है, किस तरीके से एनिमल सेल का डायग्राम होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम थोड़ा सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नंबर फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म, नंबर सेकंड वैक्यूल्स एंड नंबर थर्ड सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में अब प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। अब ये जो मैंने आपको बताया प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये एक पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो वैक्यूल्स जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल सैप होता है, सैप मतलब एक तरह से रस या जूस कह सकते हैं, ठीक है। और सेल वाल तो मैंने आपको बताया एक वाल होती है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है, जो कि कोशिका को एक शेप प्रदान करती है, डेफिनेट शेप, वो होती है सेल वाल, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है प्रोटोप्लाज्म। अब हम सेल के प्रोटोप्लाज्म को स्टडी करें तो इसको हम 2 भागों में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, सबसे पहला है न्यूक्लियस और नंबर सेकंड है साइटोप्लाज्म जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। अब हम यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है उसको फर्दर यहाँ पर 4 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कहीं कहीं सेल पर ऐसा होता है कि किसी किसी सेल न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, बहुत से ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है जो कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होता है वो कंप्लीट डेवलप नहीं होता, कहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, ठीक है। कई सेल जो कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स ये होते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट न्यूक्लियस के हैं, कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क एंड न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं इसका, ये तो फर्स्ट पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस एंड सेकेंड पार्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म का मिडल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का जो बीच वाला हिस्सा है मिडल पोर्शन, और एक होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की हम बात करें तो इसमें आपको दिखाई देगा प्लाज्मा, ठीक है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक होता है प्लाज्मा लेमा और एक होता है टोनोप्लास्ट। मिडल पार्ट के अंदर आप यहां पर आता है, यदि हम मिडल पार्ट को, इसका जो मध्य भाग होता है उसको उसको फिर से क्लासिफाई करें तो इसमें एक तो आते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स, ठीक है, जो जिसको हम सेल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, और नंबर सेकंड आता है इसमें हाइलोप्लाज्म, ठीक है, इसी मिडल पोर्शन के अंदर हाइलोप्लाज्म भी आता है, जो कि फर्दर थ्री टाइप से डिवाइड है, रिजर्व प्रोडक्ट, सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जिसके अंदर आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मिडल पोर्शन, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके मिडल पोर्शन में जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसको कि आपको पता है प्लांट सेल में पाया जाता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेंट्रोसोम, फ्लैजेलम, एंसीलियम, लाइसोसोम, ठीक है, स्फेरोसोम, लोमासोम, माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज के अंदर जैसे कि ग्लाइऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम, ये सब क्या है, एक तरह से सेल ऑर्गन्स भी इसको बोला जाता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं, इस चीज को फोकस करके रखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछे कि सेल ऑर्गन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो आप कहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये सब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लास्टिड, जो कि प्लास्टिड थ्री टाइप से डिवाइड हो सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। नंबर सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी लिख सकते हैं, एंड राइबोसोम, ठीक है, जिसमें कई सेल्स में राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, कई पर 80S टाइप के होते हैं, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रोसोम, फ्लैजेलम या सीलियम, जैसे बैक्टीरिया में फ्लैजेलम पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं प्रोटोजोआ में, ठीक है, उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोटोजोआ जैसे कि पैरामीशियम में आपने देखा होगा सीलिया वगैरह प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप देखेंगे लाइसोसोम, स्फेरोसोम, लोमासोम, माइक्रोबॉडीज जैसे कि ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। अब उसके बाद यहाँ पर एक और टॉपिक है हाइलोसोम, ठीक है, हाइलोसोम क्या होता है, एक साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ये तीन तरह के प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक तरह से ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से, जैसे रिजर्व प्रोडक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, एक तरह से नॉर्मल शुगर के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट हो सकता है और फैट्स एंड ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये इसके जो रिजर्व फूड मटेरियल एक तरह से होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आप कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब कि जो सेक्रेशन, जिसका सेक्रेशन करती हैं, जो सेल्स होती हैं जिसको सेक्रेट करती हैं, स्त्रावित करती हैं, ठीक है, जैसे वो हो गया कलरिंग मैटर कोई हो सकता है, एंजाइम्स हो सकता है और नेक्टर हो सकता है, ठीक है, ये सब जो है एक तरह से सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। और भी यहाँ पर टॉपिक देखेंगे जैसे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मतलब कि उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ में जैसे हो सकता है कौन कौन सा, एल्कलॉइड्स, ग्लूकोसाइड्स एंड टेनिन्स, लेटेक्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, रेजिन, गम, ठीक है, बहुत से ऐसे प्लांट्स है जहाँ पर रेजिन मिलता है, गम्स मिलता है मतलब गोंद, एंड ऑर्गेनिक एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है, मिनरल क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सब अभी आपने जो सब कुछ देखा, ठीक है, ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन सही, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, वो सब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये मत सोचो कि आपने पहले से ही पढ़ रखा है इसको तो आपने कुछ नहीं सीखा, आपने इतना जरूर देखा कि इसकी पोजीशंस क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेल के अंदर आपसे पूछा जाए कि भाई जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि होगा तो वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन है वो होता होगा तो वो सेल के अंदर ही, लेकिन सेल को कौन से पार्ट में, सेल के कौन से पार्ट में होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन भी हमको पता होना चाहिए कि आखिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो मिडिल पोर्शन में, साइटोप्लाज्म के मिडिल पोर्शन में पाया जाता है, सबसे पहले तो वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है और फिर साइटोप्लाज्म के मिडिल पोर्शन के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीन भागों में डिवाइड किया गया सेल को, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, सेल वॉल। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है दो तरह की स्ट्रक्चर्स आएंगी, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ये हमने क्या किया, प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, नंबर फर्स्ट न्यूक्लियस एंड नंबर सेकंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को चार पार्ट्स में डिवाइड कर किया जा सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस को घेरे रखती है चारों तरफ से, ठीक है, मेम्ब्रेन एक तरह की वाल होती है और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर अंदर के न्यूक्लियर मटेरियल होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं,
ठीक है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस हो सकता है। ये चार पार्ट्स में हमको इसको डिवाइड किया जा सकता है। साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें जो है दो प्रकार के पोर्शन आते हैं, एक मिडल पोर्शन और एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो हो सकती है वो प्लाज्मा में प्लाज्मा लेमा के रूप में भी हो सकती है और टोनोप्लास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, ये दो प्रकार की हो सकती है। तो अब प्रोकैरियोटिक में कौन सी होगी, यूकैरियोटिक में कौन सी होगी। ठीक है, अब देखो ये तो पूरा सेल के बारे में था कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं, इसको किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इस क्लासिफिकेशन से हमने ये समझा। अब देखो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपको बताएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें प्लास्टिड, देखो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं। हो सकता हो किसी में राइबोसोम पाया जाता हो सकता है किसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता हो, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता हो और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता हो। ठीक है, इस सेल ऑर्गन्स के प्रेजेंटेशन और एब्सेंट के बेस पर हमने क्या किया, सेल को दो भागों में डिवाइड कर दिया, नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर सेकंड यूकैरियोटिक सेल। अगर ये बात आपके माइंड में घुस गई तो आपको पूरा तरीके से सेल की पोजीशंस के बारे में और सेल क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप कहीं फिर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम पेपर हो, चाहे वो आप कोई एग्जामिनर हो उसके सामने भी। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो फटाफट नोट कर लें या स्क्रीन शॉट कर लें। सो गाइज, नोट करेंगे सेल की डेफिनेशन को और सेल थ्योरी को, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके कहीं पर भी एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करने के काम आएगी। ठीक है, ये सेल थ्योरी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन भी आप नोट्स कर सकते हैं। तो सेल क्या है, ए सेल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ की सबसे स्मॉल यूनिट, जहां से हम लाइफ को स्टार्ट करते हैं, एक सेल से हम अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करते हैं। अगर मल्टी सेलुलर एनिमल हुआ तो वो धीरे धीरे जो है उसकी सेल डिवीजन करेगी और धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलर एनिमल बन जाएगा। ठीक है, और जो सिर्फ सिंगल सेल जैसे कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, उनके अंदर जो लाइफ की सभी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ए सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ भी बोलते हैं, क्योंकि जो लाइफ में जो क्या होता है कि बहुत सारी सेल्स मिल करके, छोटी छोटी सेल्स मिल करके एक बहुत ही बड़ी टिश्यूज का निर्माण कर लेती हैं और फिर धीरे धीरे ऑर्गन्स और एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी भी बोला जाता है। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें जो है साइटोप्लाज्म होता है एंड इनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन से क्लोज्ड होता है। ठीक है, तो सेल्स कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो कि चारों तरफ से इनक्लोज्ड होता है, बंद रहता है मेम्ब्रेन से, एंड विच कंटेन मेनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड। और सेल ऑर्गन्स मैंने आपको जैसे कि अभी इससे पहले जब क्लासिफिकेशन में देखा था, तो कितने सारे सेल ऑर्गन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, मेसोसोम, ये सब जो है पाए जाते हैं। सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल एक, देखो ये जो सेल के द्वारा जो थ्योरी दी गई है इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया, इसमें तीन लाइन्स है। नंबर फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी जीवों का जो शरीर है वो एक अथवा अनेक, ठीक है, एक या एक से अधिक सेल्स का मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लांट भी एक जीवधारी है। ठीक है, उनके अंदर भी जीवन पाया जाता है और हम भी, एनिमल भी एक जीवधारी है, बैक्टीरिया भी एक जीवधारी है। इसी तरीके से जितने भी जीवधारी हैं उन सभी का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो एक अथवा एक अधिक सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा सेल से। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है, नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट। सेल जो है हमारे कार्य की एक मूलभूत इकाई होती है। विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद इन सेल्स। जीवन संबंधित सभी क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे आप हम रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, लोकोमोशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, खाना को खाते हैं, तो ये सब जो रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि श्वसन क्रिया करते हैं, ये सब कहाँ पर संपन्न होती है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सब के सब सेल्स के अंदर संपन्न होती है, इसलिए कहा गया सेल्स आर द बेसिक फंक्शन विद इन ऑर्गेनिज्म एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विद इन सेल्स। उसके बाद नंबर तीसरा सिद्धांत सेल के बारे में क्या कहा गया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्रत्येक कोशिका, ठीक है, जो प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण है वो पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होता है।
ठीक है, एक जो सेल्स होती है वो जो दूसरी वाली जो सेल्स बनी है वो पहले वाली सेल्स से मिलकर होती है, ठीक है, जो कि जीवित लिविंग सेल्स से बनी होती है, इसलिए कहा गया ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने आपको बताया सेल्स के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी है, ठीक है, एक बार फिर से मैं इस बात को रिवाइज कर रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोई सेल नहीं है, ये सिर्फ एक कैटेगरी है, इसके अंदर सेल्स आती है, समझो इस चीज को थोड़ा। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो हम बोल रहे हैं इसके अंदर जो है बहुत ही लेस डेवलप, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ही लेस डेवलप और छोटी सेल्स होती है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स, इसको हम प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। दे डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता, मतलब कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट नहीं होता। विच इंक्लूड बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और इन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी सेल ऑर्गन जैसे कि विकसित रूप से सेल ऑर्गन जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब इसमें अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, एक्सेप्शनली कहीं पर हो लेकिन ज्यादातर जो है सेल ऑर्गन जो कि मोस्ट डेवलप्ड सेल ऑर्गन वो सब अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, एक इस कैटेगरी के अंदर जो है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, मतलब ऐसी सेल्स आ रही हैं जो कि बहुत ही इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं है, ठीक है, छोटी है। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर हमारी और आपकी सेल्स, प्लांट की भी सेल्स आती हैं, ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो सेल्स होती हैं और प्लांट की जो सेल्स होती हैं ये सब यूकैरियोटिक कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओनली फोर कैटेगरी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कैटेगरी, इसको आप एज्यूम करो कैटेगरी कैटेगरी के रूप में, ठीक है, इसको सेल्स के रूप में आपको यहां पर एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। यूकैरियोटिक के अंतर्गत जैसे जितने भी ऐसे जीव आएंगे जिसकी की कंप्लीट डेवलप सेल होगी, ठीक है, जिसके अंदर जो है पूर्ण रूप से विकसित ऑर्गन होंगे, न्यूक्लियस भी कंप्लीटली डेवलप होगा, सो दे हैव बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है, एंड दे कंटेन ऑर्गन्स, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोट्स, इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक से लार्जर, मतलब बड़े होते हैं, और इनको आप प्रोकैरियोटिक को बोल सकते हो आपके दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोट, ठीक है। तो ये छोटे से कंसेप्ट है, छोटी सी डेफिनेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा एक 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th से लेकर के बीएससी एमएससी तक के आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा। वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में ज्यादातर आपको लगभग 7 या 8 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, अंतर में, लेकिन आज हम लगभग 20 अंतर को आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको यहां पर लिखवाता हूं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। सो गाइज, हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब हम यहां पर 10 डिफरेंस देखते हैं सब, फिर उसके बाद इसको नोट करने के बाद नेक्स्ट डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को हम यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले साइज के बेस पर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का अगर हम साइज देखें, ठीक है, इन सेल का साइज देखें तो ये इनका लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है, इसका 1 से 10 माइक्रोमीटर। और यहां पर बात करें यूकैरियोटिक का तो इसका 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है, इसका साइज 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मेन पॉइंट जिसके बेस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिखवा चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद आती है बात सेल वाल के बारे में, ठीक है। इसमें जो सेल वाल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वाल होता है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इसमें सेल वाल तो प्रेजेंट होता है बट वो म्यूरेमिक एसिड का बना होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में कुछ एक्सेप्शनली कुछ थोड़ी मात्रा में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतनी बात नोट हुई। और हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के सेल वाल के बारे में, तो इसमें जो है एनिमल्स में तो सेल वाल अब्सेंट होता है, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होता है और वो सेलुलोज का बना होता है। यदि आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही है कि यहाँ पर एनिमल और प्लांट सेल के बारे में क्यों डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर ये दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेल जो है वो डेवलप है, ठीक है, इसीलिए दोनों की यहाँ पर बात हुई है कि भाई जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वाल अब्सेंट है लेकिन प्लांट में प्रेजेंट तो होता है और बनना होता है वो सेलुलोज का। नंबर तीसरा पॉइंट है कैप्सूल।
तो कैप्सूल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो कैप्सूल होता है वो मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड का बना होता है, और यूकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल अब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, और वो बना होता है म्यूकोपॉलीसेक्राइड का। नंबर फोर्थ पॉइंट है साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट नहीं होता है, और एंडोसाइटोसिस ये दोनों के दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट एंड एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ये दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, और ये दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक का निशान लगा दिया है, लेकिन आप यहाँ पर इसको अपने तरीके अपने लैंग्वेज में या फिर जिस तरह से आप इंग्लिश में लिखते हैं या फिर हिंदी में लिखते हैं उसको पॉइंट को नोट कर सकते हैं कि इसमें जो है स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी होता है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस भी यूकैरियोटिक सेल में होता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर से भी डिनोट कर देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट तो होता है, लेकिन वो जो है पार्टिसिपेट करता है मतलब कि पदार्थों के संवहन और ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, परिवहन में पार्टिसिपेट करता है। और नंबर सिक्स पॉइंट की हम बात करते हैं माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये अब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रेजेंट भी होता है और कंट्रीब्यूट करता है सेल के सेक्रेशन में। ठीक है, सेल जो पदार्थों का सेक्रेशन करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जो लाइसोसोम होता है वो अब्सेंट होता है, लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एंड यूकैरियोटिक सेल में जो लाइसोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, नंबर नाइन पॉइंट है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 18S टाइप का होता है। ठीक है, और नंबर 10 पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में वहां पर हेल्प करता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल और प्लांट इन दोनों में जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इस चीज को सबको यहाँ पर नोट करके और थोड़ा सोच समझकर कि ये जो क्रियाएं हो रही हैं प्लांट एंड एनिमल इन दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था ये 10 फैक्टर हैं जिसके बेस पर आप अपनी लैंग्वेज में मेंशन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ये याद करना है, ये पॉइंट याद करने हैं, साइज, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूबुल्स एंड माइक्रोफाइब्रिल्स, गोल्जी वॉल्डी, ठीक है, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बेस पर फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको रिलेट करके इसमें डिफरेंशिएशन दे सकते हैं। इसको नोट करें सबसे पहले। सो गाइज नोट करेंगे 11th पॉइंट में है, आता है वैक्यूल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, एनिमल सेल में वैक्यूल अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 12th पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो उसके अंदर आता है उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी पाया जाता है, तो ये सब क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, प्लांट सेल में आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जिसमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, हम अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं करते, हम डिपेंड रहते हैं प्लांट के ऊपर। और उसके बाद आता है नंबर 13वां पॉइंट, क्या कहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, यह है 13वां डिफरेंस। नंबर 14 न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म में मिला हुआ होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म से अलग होता है। उसके बाद आता है फ्लैजेला।
प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम फ्लैजेला की बात करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया है उसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, और उस बैक्टीरिया में जो फिलामेंट का विन्यास होता है, अरेंजमेंट होता है, वो 9+2 के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, उसमें जो उसका विन्यास है, अरेंजमेंट है, वो 9+2 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी एंजाइम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर वाल में पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेल वाल। सेल वाल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन, ठीक है, ये सेल डिवीजन की है, माफ कीजिए, इसमें सेल वाल नहीं है, सेल डिवीजन है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस एंड मियोसिस टाइप का नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बैक्टीरिया में आपको बाइनरी फिजन द्वारा सेल डिवाइड करता हुआ दिखाई देगा, बट माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन इसमें अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन द्वारा सेल जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पर 18वां पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब इस चीज को ध्यान से समझ ले ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये सब जो है साइटोप्लाज्म में होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये भी एक तरह का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएशन। अब आप इसको सबसे पहले नोट कर ले, फिर हम यहां पर अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम को देखेंगे। सो गाइज, नोट करेंगे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एक यूकैरियोटिक सेल का एक हमने एग्जाम्पल लिया है, दूसरी तरफ हमने लिया है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसी तरीके से, ये है प्लांट सेल का डायग्राम, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आने वाले जो प्लांट सेल होती है उसका इसी तरह का डायग्राम होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरियल सेल आती है उसका इस तरीके का डायग्राम होता है। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों के एग्जांपल लिए हैं। अब आप प्लांट सेल को अगर ध्यान से देखें, ठीक है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था वो सब स्ट्रक्चर्स प्लांट सेल में आएगी, इसीलिए बोला जाता है जो प्लांट सेल होती है बहुत ही ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि इसमें सभी तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सभी सेल ऑर्गन प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो आइए एक एक स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, डायग्राम जितना अच्छा बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना एग्जाम पेपर में जितना अच्छा आपका डायग्राम होगा आप उसी के बेस पर उतनी ही अच्छी एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। आपका डायग्राम ही आपकी एक्सप्लेनेशन है एग्जामिनर के सामने। तो देखो, इसमें स्ट्रक्चर्स को अगर हम ध्यान से देखें, ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या कार्य करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है। ये किस में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसमें फूड जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, वो अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है, ये होता है राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद हाइलोप्लाज्म, ठीक है, ये है हाइलोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाया था, हाइलोप्लाज्म उधर साइड में जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ये बीच में साइटोप्लाज्म, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर सभी के सभी सेल ऑर्गन्स पाई जाती हैं, ये सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो आप देखेंगे इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ये बाहर की तरफ होती है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। और इसके बाद ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेज्मा, ये जो यहाँ पर जहाँ से कट होता है जिसमें क्रोमेटिन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो सेल वाल की जो मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन को दूसरे मेम्ब्रेन से जोड़ने वाली एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं धागे के समान स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम, यही इसी पोर को बोलते हैं प्लाज्मोडेज्मा। यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे हुए न्यूक्लियर पोर, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में होता है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेट्रोक्रोमेटिन इसी के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे इसमें वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो कि हमने बताया था आपको प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये है पूरा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंप्लीट डेवलप ऑर्गन्स है, ये जो सेल है वो काफी डेवलप होती है, क्योंकि इसमें चारों तरफ इसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरियल सेल को देखो तो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है,
ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैप्सूल प्रेजेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो हमने किस बेस पर कहा था, बैक्टीरियल सेल को देखने की बेस पर कहा था कि ये जो कैप्सूल है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी सेल की स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये होता है मीजोसोम, इसमें म्यूजोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड डीएनए प्रेजेंट होता है, बाकी इसमें जो है सेल वॉल या फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को एग्जांपल को देखा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, मिलते हैं, अगर आपको और भी कुछ सेल से रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए, आपको आपको लगता है कि अभी इसमें और भी कुछ डिस्कस करने को ज़रूरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।